तो बच्चों अब आई के बाद वॉट नेक्स्ट तो वॉट नेक्स्ट में हम आ गए बॉन्डिंग इन दी कॉर्डिनेशन कंपाउंड और यहां हमें चर्चा करनी होगी बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी की बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी अब बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी हमें बताती क्या है बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी से हम इस लायक बन गए कि हम अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो हम उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं हम बता सकते हैं कि कॉर्डिनेशन स्क्वेयर में क्या और कितना आएगा तो बर्नर ने हमें बताया जो थ्योरी उसने हमें दी वो एक्चुअली अमीन कॉम्प्लेक्सेस के लिए दी थी बर्नर ने जो थ्योरी हमें दी वो अमीन कॉम्प्लेक्स के लिए दी थी अमीन कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम कोबाल्ट एंड प्लैटिनम ये बात याद रखिएगा एप्लीकेबल फॉर amine कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम कोबाल्ट एंड प्लेटिनम इस थ्योरी से उन्होंने शुरुआत की थी और उन्होंने बोला था कि किसी कॉम्प्लेक्स में एलिमेंट एवरी एलिमेंट कैन एग्जिबिट टू टाइप ऑफ वेलेंसी कोई भी एलिमेंट कितने प्रकार की शो कर सकता है? दो प्रकार की शो कर सकता है. First is primary valency and second is secondary valency. तो सबसे पहले मैं primary valency की बात की मैंने बोला प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल अब ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल मैंने साथ साथ बोला इट इज आयनाइजेबल टू आयनाइजेबल भी है इनफैक्ट इट इज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल आयन या मैं सरल सीधे शब्दों में कहूं इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है तो प्राइमरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रही है ऑक्सीडेशन नंबर वन मोर थिंग जो मुझे आपको बतानी चाहिए इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस ओनली ये किसके द्वारा सेटिस्फाई की जाती है नेगेटिव आयंस के द्वारा सेटिस्फाई की हमसे कह रहे हैं नॉन डायरेक्शनल तो बेटा नॉन हमसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आयनाइजेशन आयनाइजेशन में में इसे कंसीडर कर रहे हैं और में जो बॉन्ड है है वो आयनिक हम तोड़ते हैं जब कोऑर्डिनेशन और आयनाइजेशन स्वयं के बॉन्ड को तो हम कैटाइन और एनाइन में तोड़ते हैं हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं नॉन डायरेक्शनल बिकॉज चार्ज हैज नो डायरेक्शन आयनाइजेबल क्योंकि आयनाइजेशन स्वेयर में इसलिए इजीली क्या हो जाती है आयनाइजेबल हो जाती है तो प्राइमरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करती है इज नॉन डायरेक्शनल इट इज आयनाइजेबल और इट इज सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आइन्स ऑनली दिमाग में प्रश्न निश्चित आएगा वाई इट इज सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव चार्ज ऑनली तो जब मैं इसके स्ट्रक्चर बनाना बताऊंगा तो आपको वो पिक्चर क्लियर करूंगा इट्स अटैचमेंट विदल इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन्स मेटल के साथ जब हम इसका अटैचमेंट दिखाएंगे तो वह अटैचमेंट हमें किसके द्वारा दिखाना पड़ेगा डॉटेड लाइन्स के द्वारा दिखाना पड़ेगा आ गए सेकेंडरी वैलेंसी पर सेकेंडरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रही है कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है भैया अच्छी बात है अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है और हमने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो नॉन आयनाइजेबल है वो तो एक सिंगल एंटिटी एक सिंगल आयन की तरह बिहेव करता है इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉन आयनाइजेबल है आयनाइज नहीं हो सकता फिर उन्होंने लिखा इट इज डायरेक्शनल वाई इट इज डायरेक्शनल बच्चों क्योंकि लीगेंड और मेटल के बीच में डेटिव बॉन्ड है डेटिव बॉन्ड एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है डायरेक्शनल होता है आपको बताया ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एरो लगाते हैं जिसका टेल लीगेंट की तरफ होता है और फेस मेटल की तरफ होता है डेट इज वाई आयनाइजेबल फिर से रिपीट कर रहा हूं वाई इट इज नॉन आयनाइजेबल बिकॉज कॉर्डिनेशन नंबर की जब मैं बात करता हूं तो मैं कॉर्डिनेशन स्फेयर में नंबर ऑफ लीगेंट्स की बात करता हूँ दैट इज वाई इट इज नॉन आयनाइजेबल इट इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायंस ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाई हो जाता है और ये एनायन से भी सेटिस्फाई हो जाता है और इट्स अटैचमेंट विद मेटल एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ थिक लाइन मेटल एटम के साथ इसके रिप्रेजेंटेशन को हम थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है भाई ये अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं अब मैंने ये जो स्लाइड थी ये स्लाइड मैंने छोड़ी खाली क्यों छोड़ी क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा ये वो चीज है जो हमने अभी अगर सीख ली अभी हमारे जहन में बैठ गई हमारे दिमाग में ये अब्जॉर्व हो गई तो हम सही स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं दिए गए मोलिकुलर फॉर्मूला से और उससे ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा जितने भी मेटल एटम हैं वो अपने फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में ना फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स बनाते हैं तो हमें वो याद रखने पड़ेंगे जब तक वो याद नहीं होंगे हम सही स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं देख लेते हैं सिल्वर हमेशा प्लस वन ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है कॉपर प्लस वन भी करता है और प्लस टू भी करता है आयरन प्लस टू भी करता है और प्लस थ्री भी करता है सबसे पहले मैं इन तीनों की बात करता हूं। सिल्वर जब अपने प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड बनाएगा तो निश्चित रूप से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर टू ही होगा मतलब सिल्वर हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर टू वाले कंपाउंड्स बनाता है बेटा कॉपर प्लस वन और प्लस टू में कोऑर्डिनेशन नंबर फोर वाले कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स वाले कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर है आयरन प्लस टू और प्लस थ्री में बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर फोर वाले कंपाउंड्स भी बना सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स वाले कंपाउंड भी बना सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द द टाइम दे विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स निकल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर फोर वाले कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है सिक्स वाले भी बना सकता है लेकिन मोस्टली फॉर्म करता है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर वाले कॉम्प्लेक्स जिंक प्लस टू प्लेटिनम प्लस टू और पैलेडियम प्लस टू ये हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर फोर वाले कंपाउंड्स बनाते हैं क्रोमियम प्लस थ्री मैग्नीज़ प्लस थ्री कोबाल्ट प्लस थ्री प्लेटिनम प्लस फोर पैलेडियम प्लस फोर ये हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स वाले कंपाउंड बनाते हैं। और बेटा यही मेटल्स हैं जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलेंगे इन एनी कॉम्प्लेक्स तो अगर इन ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने ये कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लिया तो मेरा काम जो है वो बड़ा ही आसान हो जाएगा देखते हैं कैसे आगे ये देखिए जैसे मैंने ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। मैंने सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स लिखा है ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है बेटा सीओ एन एच थ्री होल सिक्स थ्री ठीक है जी अच्छी बात है अब इसमें सबसे पहले देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है साहब ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका वो तो है प्लस थ्री

सी ओ एन एच थ्री होल फाइव सी एल सी एल टू तो आप क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है बेटा वो है थ्री क्यों है थ्री क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर है थ्री और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है सिक्स तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई है सिक्स यहाँ पर भी इसकी प्राइमरी वैलेंसी जो है बेटा फिर से याद रखना है वो है थ्री और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है सिक्स याद रखिएगा मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन नंबर ये हो गया जी तो मैंने देख लिया अभी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो प्राइमरी वैलेंसी है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वो इसके सेकेंडरी वैलेंसी है अब देखूं मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी अंडरस्टूड बायTreating the complex with excess of AgNO3 समझिएगा जैसे मेरे पास ये जो है ना बेटा दिस इज दॉलिकुलर फॉर्मूला वी हैव अब देखिए इस मॉलिकुलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला बना रहा हूं बड़े ध्यान से देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा क्या है मेरे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला है सीओ सी एल थ्री डॉट सिक्स एन एच थ्री कोवाल्ट का कॉम्प्लेक्स बनेगा अब मुझसे कहा जी इसकी स्ट्रक्चर बनाओ मैंने कहा ठीक है बनाता हूं मैंने आपको बताया है कि मेटल अपने स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन नंबर में कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड बनाता है तो मैं जब यहां फॉर्मूला इस इस से कोबाल्ट का निकालता हूं तो कोबाल्ट का में, वाले बनाता है चलो जी देखते जाना बेटा वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वी आर डिस्कसिंग मुझे क्या करना है जी सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाया कोबाल्ट लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा तो हमेशा जो बात मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते समय याद रखनी है कि जितने न्यूट्रल लिगेंड मतलब अमोनिया क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी अमीन कॉम्प्लेक्स के लिए ही एप्लीकेबल है तो मैक्सिमम जितने अमोनिया अंदर कर सकते हो उतने अमोनिया अंदर कर लो एज ए लीगेंड तो कॉर्डिनेशन नंबर मेरे पास कितना है सिक्स है और मेरे पास अमोनिया भी कितने हैं हैं तो मैंने सारे के सारे अमोनिया अंदर लिख लिए एच थ्री होल सिक्स ब्रैकेट क्लोज क्योंकि coordination number 6 complete है. अब बचे हुए जितने क्लोरीन है, वो आ जाएंगे. CL3. ध्यान से समझना मजा आ जाएगा यहां मैं पर मैंने देखा मोलिकुलर फॉर्मूला है सीओ सी एल थ्री डॉट फाइव एन एच थ्री यहां पर भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों सर प्लस थ्री है बेटा कोबाल्ट प्लस थ्री में कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है अरे सर कितनी बार पूछोगे छह करता है छह करता है तो चलो बच्चों इसकी भी स्ट्रक्चर बनाते हैं चलो है, इसकी भी स्ट्रक्चर बनाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर छह है जी सबसे पहले क्या लिखा कोबाल्ट लिखा अब आपको बताया जितने न्यूट्रल लीगेंट्स अंदर कर सकते हो मैक्सिमम उतने कर दो कितने अमोनिया है पांच तो मैंने सबसे पहले लिख दिया एन एच थ्री होल फाइव बन गया लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तो मुझे 6 करना है मतलब अभी भी एक की जगह खाली है तो एक क्लोरीन अंदर कर दूंगा ये कर दिया क्लोरीन अंदर ब्रैकेट क्लोज क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 6 अब कितने क्लोरीन बचे सर दो बचे दोनों क्लोरीन बाहर दोनों क्लोरीन बाहर ये बन गया स्ट्रक्चरल फार्मूला ध्यान से समझना अब फिर से यहां आ गया ये फिर से मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर प्लस थ्री है बेटा कोबाल्ट प्लस थ्री में कोऑर्डिनेशन नंबर अरे सर पूछने से पहले बता दिया सिक्स चलो बच्चों स्ट्रक्चर बनाते हैं सी ओ छ है सर ने बताया है सबसे पहले जितने न्यूट्रल लीगेंड अंदर कर सकते हो कर दो चार अमोनिया है एन एच थ्री होल फोर अब कितने की जगह बची सर छे है चार कर दिए दो की जगह बची तो कितने क्लोरीन अंदर कर दू सर अब तो ये समझ में आने लगा है दो क्लोरीन अंदर कर दो कितने बचे एक एक कर दिया बाहर कितना आसान है स्ट्रक्चर बनाना अब ये AgNO3 AgNO3 क्या कर रहे हैं जरा समझे अब जब मैं इस कंपाउंड को डिसोसिएट करूंगा बच्चों रंग परिवर्तित कर लेता हूं चलो तो ये मुझे क्या देगा ध्यान से देखना हमें तो पता है ये हमें देगा सीओ एन एच थ्री होल सिक्स पर चार्ज प्लस थ्री प्लस थ्री सी एल माइनस क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फ़ेयर और आयनाइजेशन स्फ़ेयर के बीच में डिसोसिएशन होता है बेटा ये कैसे टूटेगा सर आप तो बहुत आसान आसान प्रश्न पूछने लगे हो अब सी ओ एन एच थ्री होल फाइव सी एल पर चार्ज आएगा सर प्लस टू और साथ में आएंगे टू सी एल माइनस अरे वाह यार बच्चों बिल्कुल सही बता दिया अब इसको कैसे करेंगे सी ओ एन एच थ्री होल फोर सी एल टू पर चार्ज प्लस वन प्लस सी एल माइनस अरे वाह बिल्कुल सही हो गया तो इसने तुम्हें कितने क्लोराइड आइन दिए तीन देखना ये भी यही कह रहा है क्या अरे वाह ये भी तो वही कह रहा है इसने तुम्हें कितने दो, अरे, इसने तुम्हें कितने क्लोराइड आइन दिए एक अरे अब भाव क्या है क्या कहना चाहते हैं हम कहना चाहते हैं कि अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की इस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ एजी एन ओ थ्री यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से कराता हूं तो मुझे थ्री मोल्स ए जी सी एल मिलेंगे एज अ प्रेसिपिटेट थ्री मोल्स ए जी सी एल इस वाले की कराता हूं कितने मोल मिलेंगे टू मोल ए जी सी एल कराऊंगा कितना मिलेगा एक सी तो बेटा जो प्रश्न है ना वो किस तरह से बनेगा वो तुमको किसी कंपाउंड का अमीन कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देकर बोलेगा कि जब मैं इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से कराता हूं तो मुझे स्पेसिफिक मोल्स ऑफ एजीसीएल मिलते हैं एज अ प्रेसिपिटेड और वो बोलेगा कि बताओ उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है तो जितने मोल AgCl एज अ प्रेसिपिटेट बनेंगे उतने क्लोरीन बाहर आयनाइजेशन स्फेयर में होंगे तीन मोल AgCl बन रहे हैं ना कितने क्लोरीन है बाहर तीन दो मोल AgCl बन रहे हैं कितने क्लोरीन है बाहर दो एक मोल AgCl बन रहा है कितने क्लोरीन है बाहर एक तो मुझे इस रेस्पेक्ट में उस ऑप्शन को टिक करना होता है इस तरह के क्वेश्चन नीट में मेंस में बहुत सारे पूछे जाते हैं बहुत सारे पूछे जाते हैं और ये बड़े ही आसान होते हैं और एग्जाम्पल्स भी दूंगा मैं आपको ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग बताया था कि स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन नंबर में फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है तो जब तक मुझे वो ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में रिलेशन नहीं पता होगा मैं कभी भी कॉम्प्लेक्स का सही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं बता सकता स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बना पाएंगे तो मुझे वो रिलेशन पता होना जरूरी है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब इन्होंने बोल दिया द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लीगेंट इन स्फीयर हैज बीन एक्सप्लेन द थ्री वेल नोन थ्योरी लेकिन मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूं एक और चीज और उस चीज का नाम जो है वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए हम क्या करने वाले हैं हम एक स्लाइड लेने वाले हैं और उस स्लाइड के लिए हम क्या करेंगे हम इसको खाली कर देंगे कर देते हैं बच्चों खाली हैं?